जालंधर वेस्ट के विधायक सुशील रिंकू कोरोना महामारी के समय जहां जनसेवा में तेज रहे, वहीं उन्होंने इस महामारी के बाद के समय में अपने इलाके के विकास कार्यों में भी तेजी दिखाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी वो लगातार प्रोजेक्ट लाते रहे हैं और अब तेजी से सड़कों और गलियों के निर्माण कार्यों में कार्यशील हैं। आज उन्होंने दिलबाग नगर एक्सटेंशन की सड़कों और गलियों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। उनके साथ पार्षद मदनलाल खिंदर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सुशील रिंकू ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आदेशानुसार वो विकास कार्य करवा रहे हैं। आज भारतीय क्रिकेटर मनदीप सिंह के घर को जाती सड़क की भी शुरुआत हो गई है। इलाके की हर सड़क और गली के निर्माण के लिए वे वचनबद्ध हैं। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 120 फुटी रोड तो हरी बर्गर दे नाल वाली गली जिहड़ी कि साढ़े बड़े ही मशहूर जिहड़े साढ़े हिंदुस्तान दी शान क्रिकेटर मनदीप सिंह जी दे घर नूं जांदी है, उस गली दा अज 10 लाख रुपए की लागत दे नाल उहदी अज शुरुआत की गई। और जिस तरीके दे नाल कि अज साडी पंजाब दी सरकार मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी उन्होंने दिशा निर्देश अनुसार अच्छ हर एक पूरे हलके दे विच हर गली दे विच हर महल्ले दे विच जिहड़ी डिवेलपमेंट है जिते जरूरत है सड़कों की गलियां की उत्थे जिहड़ी शुरुआत की गई उस लड़ी दे विच अच्छ इस सड़क का भी जिहड़ा काम शुरू किया गया। मैं इलाके दे कौंसलर मदन लाल खिंदर जी और समूह इस गली दे निवासियों नूं सड़क दे जिहड़े काम की शुरुआत होने की बहुत बहुत बधाई दिंदा। अज ਰੋਲ ਕਲੋਨੀ ਗਾਰਡਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚਾਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਬਰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ MLA ਸ਼ਸ਼ੀ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ